नाज़रीन और सामईन, आज का ये प्रोग्राम UH स्टूडियो की जानिब से पेश किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन हज़रात, माहिर रबीउन नूर शरीफ के इस मुबारक मौके पर आज की इस नूरानी महफिल में हिंदुस्तान के अजीम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शारिफ़ुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, दूसरे ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हनीफ़ुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। हमारी इस नूरानी महफिल में मशहूर मद्दाहे हबीब दावर जनाब वसीम अजहर साहब तशरीफ़ फरमा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के माहे रबीउन नूर शरीफ के इन नूरानी लम्हों में नूरानी जिक्र करके अपनी और तमाम नाजरीन और सामईन के दिलों को जिला बख्शी जाए। मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि रबीउन नूर शरीफ के ताल्लुक से कुछ अता फरमाएँ। नाज़रीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, हमारी आज की इस बज़्म नूर में गिरामी मर्तबत हज़रत अल्लामा हनीफ़ुल क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा वसीम अज़हर भाई मौजूद हैं। उस्मान भाई ने माहे मीलादुन्नबी के हवाले से कुछ अर्ज़ो मारूज़ के लिए कहा है, मैं इंशाअल्लाह ताला इसी मुनासबत से कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। लक अलहम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله مولانا العظيم। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बिलाशुबा हम आशिकों के लिए ये खुशियां मनाने का मौसम एक बार फिर हमारी जिंदगियों में अल्लाह ने हमें अता फरमाया। करोड़ों बार उसका शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका फिर से फराहम किया, और इंशाअल्लाह जब तक हम बकैदे हयात हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद के हवाले से ये खुशियाँ यूँ ही मनाते हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। क्या बात है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, आप ऐलान फरमा दें, आप ऐलान कर दें कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो ये एक ऐसी चीज है कि इस पर खूब खुशियां मनाना चाहिए। खुशियों के हवाले से उस्मान भाई एक चीज जहन में रखें कि खुशियां कई तरह की होती है। खुशी कभी एक फर्द से भी जुड़ी होती है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा बीमार हो गया और उसे सेहत नसीब हुई तो ये एक फर्द की खुशी होती है। कभी कभी खुशी एक खानदान की भी होती है कि मिसाल के तौर पर किसी घर में किसी बच्चे की पैदाइश हुई, बहुत सारे रिश्ते वजूद में आए तो पूरा एक खानदान खुश होता है। कभी कभी खुशी जो होती है मुल्क की सतह पर होती है, वहाँ का बादशाह अगर अपनी रियाया के लिए कोई अच्छी चीज़ का ऐलान कर दे तो पूरा मुल्क उसमें शरीक हो जाता है और खुशियाँ मनाता है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत मुबारका और आपकी आमद आमद ये ऐसी खुशी है कि इसमें सिर्फ कोई एक फर्द शामिल नहीं, कोई एक खानदान शामिल नहीं, कोई एक मुल्क शामिल नहीं, बल्कि अर्श व फर्श और तमाम जहान की जुमला मखलूकात मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद पर खुशियां मना रही है और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक इन खुशियों के सूरज पे कभी ग्रहण लगने वाला है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने भी फरमाया कि जब मेरी नेमत मिले, मेरा फजल मिले तो उस पर खुशियाँ मनाना चाहिए। और अल्लाह तबारक व ताला की सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को जब हम गुनाहगारों को अता फरमाया तो इरशाद फरमाया कि
मेरा एहसान मानो कि मैंने अपना महबूब भी तुम्हें अता फरमा दिया है, वरना महबूब कौन किसको देता है। तो अल्लाह ने जब महबूब दिया तो फरमाया कि मोमिनो मेरा एहसान मानो, मैंने अपना महबूब भी तुम्हें अता फरमा। तो उशाकान मुस्तफ़ा इस मौके पर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। अच्छा, फिर जैसी नेमत वैसे ही उसके लिए खुशी का इजहार होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमें दुनिया की एक आर्जी कोई अगर खुशी नसीब होती है तो हम उसमें बड़ी सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं। तो हुजूर नबी रहमत की ज़ात मुबारक तो सुभान अल्लाह एक इतनी ऐसी इतनी बड़ी नेमत है, तो इस नेमत का शुक्र और इसका इजहार भी उसी के शायान शान होना चाहिए, बेशक बेशक, और खुशियों का इजहार फिर उसी के मुताबिक होना चाहिए। तो हम देखते भी हैं कि तमाम दुनिया में जो है सारे ही लोग मिलकर हुजूर के गुलाम अपनी गुलामी का सबूत देते हुए मुख्तलिफ महाफिल मुनाकिद करते हैं, नाते सरवर कायनात का गलगला होता है, और आपके मिलाद के मौके पर बहुत सारे लोग आपकी सीरत तय्यबा आपकी अहादीस करीमा के अंदर मौजूद जिंदगी गुजारने के वो पहलू जो हर एक मुसलमान के लिए राय अमल है और उस पर अमल कर लिया जाए तो हर एक की जिंदगी में निखार आ सकता है, ये हमारी महफिलों में बयान होता है। मीलाद कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मौजूए बहस बनाया जाए, मीलाद के लुगवी माने की बहस से परे हटकर अगर आप देखें तो मीलाद का इस्तलाही माना क्या है, किसी जगह पर चंद लोगों का जमा होना, कुरान हकीम की तिलावत करना, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना, आपके मोजिजात बयान करना, ये मीलाद कहलाता है। और मैं समझता हूँ कि ये नहायत बदबख्ती होगी कि इन चीज़ों को लेकर के कोई एतराज करे, इसलिए कि मीलाद मुस्तफ़ा तो एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर गौर करें देखें, बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि इस्लाम का एक कट्टर दुश्मन और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मुखालिफ जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने, उसके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि हजरत आमिना खातून जब अपने घर में मौजूद थी और विलादत मुस्तफ़ा जान रहमत का वक्त आन पहुँचा तो अबू लहब ने अपनी लौंडी सुवैबा से कहा कि जाओ मेरी भावच के यहाँ चली जाओ, मेरी भावच के यहाँ पे पैदाइश का ये मरहला है, तुम जाकर वहाँ पर खिदमत करो। सुवैबा वहाँ पहुँचती हैं और हजरत आमिना खातून मुस्तफ़ा जान रहमत की वालदा मोहतरमा के यहाँ पे आपकी विलादत मुबारक होती। सुवैबा इस खुशी को लेकर के अबू लहब के पास में आती है और कहती है कि मुबारक हो अबू लहब, तुम्हारे घर में आज भतीजा पैदा हुआ। आप गौर करें कि अबू लहब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होने की हैसियत से खुशी का इजहार नहीं किया था, बल्कि भतीजा होने की हैसियत से खुशी का इजहार करते हुए और अपनी उंगली का इशारा किया कि जा मैंने इस खुशी के 22 मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब मौत तो बरहक है, अबू लहब को भी मौत आई, बादे मौत उसके अहले खाना में से किसी ने उसे ख्वाब में देखा, पूछा कि किस हाल में मुबतला हो, क्या हाल है, तो कहने लगा कि जब से मरा हूं मैं अजाब में मुबतला हूं, लेकिन जब वो दिन आता है तो इस उंगली से मुझे सैराब कर दिया जाता है। आप देखें कि अबू लहब जैसे बदबख्त को अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी मनाने की वजह से जो जजा और जो अता अल्लाह की उसके ऊपर हुई वो ये कि उसके भी अजाब में तख़फीफ कर दी गई, और वो भी नबी समझ के नहीं, नबी समझ के नहीं, हाँ, हम तो नबी भतीजा समझ कर, जी सुभान, भतीजा समझ कर के उसने खुशी का इजहार किया था। तब अल्लाह की अता देखिए और अल्लाह ने उसे महरूम नहीं छोड़ा। तो जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के तमाम रोशन है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हो, वो जब मीलाद मुस्तफ़ा के मौके पर खुशी का इजहार करेगा तो आप देखिए अल्लाह तबारक व ताला की कितनी अताएं उसके ऊपर बरसेंगी। माशाल्लाह, हमारे मुफ्ती मोहम्मद शारिफ साहब क़िबला ने बहुत निराला मैसेज हमें अता किया, माशाल्लाह। अब मैं चाहता हूं कि हमारे अल्लामा हनीफ़ुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है तो वो भी इस माह रबीउन नूर शरीफ के मौके पर इस नूरानी महफिल में कुछ हम गुलामों को अता फरमाएँ।
ناظرین سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ جشن عید میلاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسین ترین موقع پر ایک مختصر سی محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں ہم سامعین و حاضرین موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم والہ الاکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کی تخلیق ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تخلیق فرمائی. یہ زمین و آسمان جمادات و حیوانات جملہ مخلوقات اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. ایک حدیث قدسی میں یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کروں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے جملہ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اس دنیا میں جلوہ گر کیا اور اس کا سسٹم یہ رہا کہ جب تاریکی ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. انبیاء سابقین میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ ایک ستاروں کی مانند تھے. اندھیرا تھا تو آسمان میں اللہ نے ستارہ لگا دیا. اسی طرح سے تمام انبیاء اکرام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے رہے وہ ستاروں کی مانند آتے رہے. مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھانے کے بعد اور آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے اس کے بعد نبیوں کے آنے کا سلسلہ رک گیا. انبیاء اکرام کا آنا بند ہو گیا. پھر دنیا میں ہر طرف جو انبیاء اکرام نے روشنی اور جو ہدایات کی کا اجالا اپنے کائنات میں بکھیرا تھا وہ مدھم پڑنے لگا اور آگے بڑھتے بڑھتے نتیجہ یہ ہوا کہ 570 سال کا زمانہ جب گزرا تو پھر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا. اور جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تو عالم تو یہ ہوا کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا. ہر طاقتور کمزور پہ ظلم و ستم ڈھا رہا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ یتیم اور بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ایران کے اندر جو حالات تھے وہ عجیب و غریب تھے. ایران کی سرزمین پر جہاں سقراط آیا بڑے بڑے حکما آئے وہاں تو عالم یہ تھا کہ صاحب اگر بچہ پیٹ میں ہوتا تھا اگر بچہ تندرست پیدا ہوتا تھا تو اس کو پالا جاتا تھا اور بچہ نحیف پیدا ہوتا تھا تو ماں اس بچے کو کلیجے سے لگاتی ضرور تھی مگر اسے پہاڑ پہ لے کے چڑھ جاتی اور اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا جاتا. یہ عالم تھا. اب ظاہر سی بات ہے جب جس بچے کو بے وجہ قتل کیا جا رہا ہو اور جب اسے پہاڑی کی بلندی سے نیچے پھینکا جا رہا ہوگا تو اس کی جو چیخ نکلتی ہوگی اس چیخ کے ساتھ ایک آہ بھی نکلتی ہوگی اور اس آہ سے جو آواز پھوٹتی ہوگی یہ مالک ہمارا کیا قصور تھا جو ہم کو اس طرح سے بے قصور ہماری جان لے لی جا رہی ہے. اے اللہ ہم جیسے کمزوروں کو بچانے والا کوئی بھیج دے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی بے قصو مجبور بچوں کی آواز کا جواب بنا کے بھیجا. اللہ کے نبی جس زمانے میں تشریف لائے وہ قبائلی جنگوں کا دور تھا.
जंगें होती थी और जंगों में मर्द कत्ल हो जाते थे, यतामा रह जाते थे, यतीम बच्चे रह जाते थे या बेवाएं रह जाती थी। तो बेवाओं की कोई हैसियत और वजूद नहीं था, यतीमों के सरों पर कोई हाथ रखने वाला ना था, यतीमों को तो जुल्म की चक्की में पीस दिया जाता। और जब यतीम को जुल्म की चक्की में कसा जाता होगा तो यतीम के दिल से आह नहीं निकलती होगी, वो दिल से पुकारता होगा, ये अल्लाह हमारी यतीमी पर रहम खाने वाला भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं यतीमों की को सहारा देने वाला मेरे मुस्तफा को बना के भेज दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल ने यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत ही नहीं रखा, बल्कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे जानिसारो, जब तुम किसी यतीम के सर पे हाथ रखते हो तो उसके सर पर जितने बाल होते हैं उन बालों के बराबर अल्लाह तबारक का बताया तुम्हें नेकी आता फरमाया। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा गुरु और अंबिया इकराम आसमान में सितारों की मानिंद थे, और जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आफ्ताब नबुव्वत और रिसालत बन के तशरीफ लाए, और जब आफ्ताब आ गया तो फिर किसी सितारे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर को, अपने आखिरी नबी को, अपने महबूब को इस दुनिया में जलवागर कर दिया। अब किसी नबी की जरूरत नहीं, किसी रसूल की जरूरत नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब को आखिरी रसूल और खातिमुन नबीयीन बनाकर अल्लाह के प्यारे रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। अल्लाह के रसूल ने सारी कायनात को रोशनी बख्श दी, और वो निज़ाम अल्लाह के रसूल ने निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से कायम फरमाया जो दुनिया में अब तक था ही नहीं, वो निज़ाम अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया में जलवागर किया, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, कोई समझ सकता था कि बेवाओं को सहारा दिया जाएगा। बेवाओं के साथ तो लिखने वालों ने लिखा है कि वो जुल्म सितम किया जाता था, उन्हें जीने का भी हक छीन लिया जाता था, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी, वो अच्छा खाना नहीं खा सकती थी, उनसे अच्छा खाने का भी हक छीन लिया जाता था। अल्लाह के रसूल ने 25 साल के अहद शबाब में, जबकि मेरे आका के कदम मुबारक और मेरे मुस्तफ़ा के कदम नाज को चूमने के लिए कायनात का हुस्न सरनगु हो रहा था, सारे कायनात का हुस्न मेरे मुस्तफ़ा के तलवे चूमने को बेकरार था, उस अहद शबाब में मेरे मुस्तफ़ा ने 40 साल की बेवा से निकाह फरमा के पूरी कायनात को ये पैगाम दे दिया कि बेवाएं नफरत करने के लिए नहीं, बल्कि वो उनके सर पर दस्ते शफकत रखने के लिए, उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव किया जाए। अल्लाह के रसूल ने निज़ाम कायम के बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे लोग। अल्लाह अकबर। हजरत कैस इब्ने आसिम रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बारगाह रिसालत में हाजिर हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यरहम सगीरना व मन लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। हजरत कैस इब्ने आसिम बैठे थे, इतना जुमला सुना तो उनकी आंखें भीग गई, पलकें अश्कबार हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कैस रो रहे हो? हजरत कैस इब्ने आसिम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप आए हैं तो जीने का सलीका मिला, मुस्तफ़ा जाने रहमत आप तशरीफ लाए हैं तो हमको शऊर जिंदगी मिला है। आपने फरमाया कि जो अपने छोटों पर रहम ना करे, यूं तो मैं अपनी 6 बेटियों को दफन कर चुका हूँ, मगर जो मैंने आखिरी बेटी को अपनी दफन किया था वो मुझे मेरे आका मुझे बार बार याद आती। मैं मुल्क शाम के सफर पर जा रहा था, मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी के शिकम में एक नई जिंदगी सांस ले रही है। मैंने अपनी बीवी से कहा, अगर बच्चा हो तो हिफाजत से पालना, और बच्ची हो तो मेरा इंतजार नहीं करना, अपने हाथों से अपनी ममता का गला घोट देना। मैं मुल्क शाम के सफर को चला गया, वापस आया, मालूम हुआ कि मरा हुआ एक बच्चा पैदा हुआ था, दफन हो गया, बात खत्म हो गई। मगर 7-8 साल के बाद मैं अचानक अपने घर में आया तो मैंने देखा कि एक बड़ी हसीन मासूम सी बच्ची मेरी बीवी के बगल में बैठी, और मेरी बीवी उसकी जुल्फे सवार रही है, और ऐसा लगता है जैसे एक माँ अपने बच्चे पे ममता लुटाती है, इस तरह से वो माँ अपने बच्चे पे ममता लुटा रही। मैं चूंकि बेटियों से मुझे नफरत थी, मैंने डांट के पूछा, ये कौन है? मेरी बीवी सरतापा रहम बन गई और खड़ी हो गई मेरे सामने, और कपकपाते हुए होंठों से उसने मुझसे कहा, मेरे ताजदारी, आपकी वही बेटी है जब आप मुल्क शाम के सफर को गए थे, खुदा रहा अब इसे जान से मत मारना, अब इसे दफन न करना, अगर इसे मारो तो मुझे भी जिंदा दफन कर दे, अब मैं इसके बगैर रह नहीं सकूंगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका, मैं इंतजार करने लगा कि मक्के की शाम कब होगी, और जब शाम अपनी जुल्फे बिखेरेगी उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। मेरी बेटी अपनी माँ की आगोश में सो रही थी, मैं रात का अंधेरे का
इंतज़ार करता रहा, और जब अंधेरा छा गया तो मैं चुपके से उठा, अपनी बेटी को मैंने सहारे से उठाया और कब्र खोदने का सामान मैंने उठाया, बच्ची का मुंह दबा के मैं लेके चला उस कब्रिस्तान में जो इसी बेटियों के लिए हमने बना रखा था। उस कब्रिस्तान में ले जाके मैंने बेटी को दफन कर दिया। वापस आया मैं तो रास्ते में जबकि इससे पहले मैं 5 बेटियां और दफन कर चुका था, ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ। जब ये 6ठी बेटी दफन करके आया तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी मुझे आवाज दे रही है और पुकार रही है, अब्बा अब्बा अब्बा। ये एहसास आज तक मेरे कलेजे को चीर देता है, या रसूल अल्लाह मुझे नींदें नहीं आती हैं। ये वजह क्या थी? वजह ये थी कि उससे पहले जो 5 बेटियां दफन की थी तो उसकी वजह ये थी, जब आफ्ताब तुलू होने वाला होता है, सूरज निकलने वाला होता है, तो कायनात में पहले रोशनी भेज दी जाती है, कायनात में उजाला फैला दिया जाता है ताकि कायनात जमत समझ ले कि सूरज निकलने वाला है। अल्लाह के प्यारे रसूल इस दुनिया में आफ्ताब रिसालत और नबुव्वत बनकर तशरीफ ला रहे थे, उससे पहले अल्लाह ने इंसानी दिलों में उजाला पैदा कर दिया ताकि उसकी आमद पर लोग जब इस्तकबाल करें तो कल्ब के अंधेरे के साथ ना करें बल्कि दिल के उजाले के साथ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद हुई, पूरी कायनात में उजाला फैल गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी उजाले और उसी रोशनी की बरकतें लेकर आज हम चरागा भी करते हैं, रोशनी भी करते हैं, हर तरफ खुशियां मनाते हैं। अल्लाह ताला हमारी खुशियों को अपनी बारगाह में कबूल करे। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बज्म के ये मशहूर सना खां मद्दाह हबीब दावर जनाब वसीम अजहर साहब तशरीफ़ रखते हैं माशाल्लाह, तो एक कलाम इनसे समाअत किया जाए रबीउन नूर के मौके पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बहुत अनोखी निराली आवाज़ से नवाजा है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, अल्लाह और बुलंदी अता फरमाए। तो कुछ शेर इनायत फरमाएं वसीम साहब। सरापा नूर बनकर मुस्तफा सल्ले अला आए, 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 सरापा मुबारक हो तेरे घर आमना खैरुल वरा आए, 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 उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में, उजाला ही उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में, अरब की सर जमी पर जब हबीब किबरिया आए, अरब की सर जमी पर जब हबीब किबरिया आए, सरापा नूर बनकर मुस्तफा सल्ले अला आए, मुबारक हो तेरे घर आमना खैरुल वरा आए, फल
के माह पारों में जमीन के आबशारों में फलक के माह पारों में जमीन के आबशारों में फलक के माह पारों में जमीन के आबशारों में फलक के माह फलक माह पारों में जमीन के आबशारों में है जलवा चारु सूचन का है जलवा चारु सूचन का वही जलवा नुमा आए है जलवा चारु सूचन का वही जलवा नुमा आए रब्बा नूर बनकर मुस्तफा सल्ले अला आए मुबारक हो तेरे घर आमना खैरुल वरा आए